हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ अकोला में दो हॉस्पिटल है, जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और एक दूसरे हॉस्पिटल में मनोरुग्ण जो है और व्यसनी लोग जो है उनको बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफ़ी लोग जो आते हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए आते हैं, मतलब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसका मैंने जिक्र एक दूसरे वीडियो में इसके पहले किया हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंग्जाइटी के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ एंग्जाइटी रहती है और वो एंग्जाइटी इतनी नहीं रहती कि डॉक्टर के पास में जाए, मगर कभी कभी एंग्जाइटी रहती कि नहीं डॉक्टर की मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में जाना जरूरी है। कभी नहीं रहता, कभी रहता है। तो मैं बताता हूँ उसमें क्या फ़र्क है। तो कुछ जो चिंता है या एंग्जाइटी है वो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ग्रोथ यदि अपनी करना है तो आवश्यक है। ग्रोथ कैसा कि समझो स्टूडेंट है, उसको यदि चिंता है एग्ज़ाम की या पास होने की तो पढ़ाई करेगा। उसको चिंता ही नहीं तो पढ़ाई नहीं करेगा, क्यों पढ़ाई करेगा? उसको लगता है कि नहीं, मैंने मुझे एडमिशन मिलाने की है, मुझे हायर एजुकेशन में जाने का है, इसमें अच्छे मार्क मिलाना चाहिए। तो उसको यदि थोड़ी चिंता रहेंगे तो वो पढ़ाई करेगा और वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेगा और एडमिशन ले लेगा। यदि हम हाईवे पे कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमको चिंता होनी चाहिए कि सामने से कोई आ रहा क्या, कोई ठोक देगा हमको या एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी मेरे मुझे चिंता रहेंगी तो मैं संभाल के जाऊंगा और बेफिक्र गाड़ी चलाऊंगा नहीं। कहीं मुझे इंटरव्यू में जाने का है, इंटरव्यू देने का है, तो चिंता रहेंगी तो मैं अच्छी पढ़ाई करके जाऊंगा, इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाऊंगा। कोई बॉस के सामने मुझे जाना है, कुछ बात करनी है, तो वहां भी मैं तैयारी करके जाऊंगा, चिंता यदि है तो। या कोई एग्जाम में अपीयर होना है, कोई स्टेज पर जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देने का है, या कोई भी चीज़ का, कोई नया इवेंट ऑर्गेनाइज करने का है, कुछ भी नया करना है तो टेंशन आएगा ही, उसमें चिंता रहती है, दिल में धड़कन बढ़ती है, थोड़ा थोड़ी बेचैनी रहती है। मतलब वो एक्चुअली जो है ना, वो ग्रोथ के लिए आवश्यक है, वो सक्सेस के लिए आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं कि वो इन्वर्टेड यू शेप्ड कवर है। इन्वर्टेड यू शेप्ड कवर मतलब ऐसा ऊपर जाना और ऊपर से जाना और ऊपर तक जाना और बाद में नीचे आना, मतलब एक ऐसा रहता है कि चिंता आपको है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, चिंता है तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, चिंता है तो परफॉर्मेंस। एक जगह ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा चिंता है और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा क्योंकि चिंता है, और उसके बाद में यदि चिंता हो गई तो परफॉर्मेंस फिर डाउन हो जाता है और फिर नीचे नीचे आता है। मतलब एक लेवल तक चिंता ठीक है, एक लेवल के बाद में यदि चिंता ज़्यादा हो गई तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गई, मतलब वो बीमारी हो गई, और वहाँ से फिर उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस फिर कम हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस करना जरूरी है कि नॉर्मल एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मगर नॉर्मल एंग्जाइटी यदि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गई कि अभी वो भाषण देने नहीं जा रहा, मतलब भाषण देना अभी मुश्किल हो गया उसको, स्टेज पर ही नहीं जा रहा, या एग्ज़ाम की इतनी एंग्जाइटी हो गई, इतनी एंग्जाइटी हो गई अभी एग्ज़ाम को ही नहीं जा रहा या इंटरव्यू को नहीं जा रहा, फिर उस समय उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। लोग आते कि नहीं अभी हमारी एग्ज़ाम दो दिन के बाद में है, वायवा दो दिन के बाद में, और बहुत टेंशन आ गया, बहुत एंग्जाइटी आ गया, अभी मेरे को मुश्किल लग रहा है, फिर उस समय टैबलेट देना जरूरी होता है कि नहीं अभी टैबलेट ले लो, वो जो एंग्जाइटी वो कम करो, रिलैक्स हो जाओ और बाद में फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये यदि आपको पहले से मालूम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक दिन में आ गई, पहले से कुछ ना कुछ एंग्जाइटी रहती है, एंग्शियस पर्सनैलिटी रहती है। तो एंग्शियस पर्सनैलिटी का पहले से कंसल्टेशन किया, पहले से एक बार थोड़ा गाइडेंस ले लिया, काउंसलिंग कर लिया, तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसको हिट करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो। हमारा मिशन है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ जरूर लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।